मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फर्टिलाइजर एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं क्या हम इंसेक्टिसाइड के साथ फंगीसाइड और फंगीसाइड के साथ कीट जो हमारा एनपीके होता है इसे मिला सकते हैं या फिर नहीं, क्योंकि कई सारे किसान भाइयों को मेरे पास लगातार कमेंट देखने को मिल रहे हैं कि हम इंसेक्टिसाइड के साथ एनपीके मिला सकते हैं नहीं मिला सकते, या फंगीसाइड के साथ एनपीके मिला सकते हैं मिला सकते, या फिर इंसेक्टिसाइड फंगीसाइड और एनपीके इन तीनों को एक साथ मिला सकते हैं या फिर नहीं मिला सकते। इस तरह की कंक्लूजन जो है, इस तरह की परेशानी जो है, लगभग मैं समझता हूँ सभी किसान भाइयों के सामने जो है बहुत बड़ी समस्या ये बन चुकी है, और किसान भाई इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें क्या करना है और क्या फिर नहीं करना है। क्योंकि मान लीजिए आपकी कोई भी फसल है और आपने इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड और एनपीके इन तीनों को मिक्स करके यदि आप एक साथ डालेंगे तो किसान भाइयों इसके आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं और बुरे परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। तो क्या कुछ इसमें होने वाला है, क्या कुछ मैं इसमें आज आपको समझाऊंगा, तो पूरी वीडियो में आप लगातार बने रहें। यदि वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप एक सही और सॉलिड जानकारी ले पाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द किसान भाइयों मिल सके। और इसके साथ साथ हम अपने चैनल पर एक्सपेरिमेंट की वीडियो भी डालते रहते हैं कि आपको मान लीजिए कोई इंसेक्टिसाइड है या फिर कोई दूसरा फंगीसाइड है, इन दोनों को मिक्स करके क्या हम इसका स्प्रे कर सकते हैं या फिर नहीं, तो इसके बारे में भी हम पूरी जानकारी आपको देंगे और इसके लिए भी आपको लगातार जो है जानकारियां देखने को मिलती रहेंगी। तो आप इस तरह की वीडियो भी देख सकते हैं। और किसान भाइयों, हर कंपनी के इंसेक्टिसाइड हो, फर्टिलाइजर हो, कोई हर्बिसाइड हो, कोई फंगीसाइड हो, उनकी वीडियो भी आपको इस चैनल पर लगातार देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड के बारे में। तो किसान भाइयों, कुछ इंसेक्टिसाइड ऐसे होते हैं कि उन्हें आप फंगिसाइड के साथ मिला सकते हैं, तब वो कोई भी रिएक्ट नहीं करेंगे और आपकी फसल पे वो बेनिफिट ही देंगे। कुछ इंसेक्टिसाइड के साथ आप एनपीके मिक्स कर सकते हैं तो वो भी अच्छा रिजल्ट दे देते हैं। कुछ फंगीसाइड के साथ आप यदि एनपीके मिलाते हैं तो वो भी अच्छा रिजल्ट दे देते हैं। लेकिन कुछ किसान भाइयों ऐसे होते हैं कि उन्हें यदि आप मिलाते हैं तो उनका रिजल्ट ही आपको देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरह की क्या दिक्कत आपको देखने को मिलेगी? तो किसान भाइयों, आप जो हैं बहुत जल्दी में रहते हैं। जितने भी किसान भाई होते हैं वो ये सोचते हैं कि एक साथ में इंसेक्टिसाइड ले लें, फंगीसाइड ले लें, एनपीके भी ले लें और उसके साथ जो हमारे टोनिक होते हैं उन्हें भी ले लें और सब चीज़ों को एक साथ मिक्स करके और एक बार में स्प्रे कर दें। यदि आप ऐसा करोगे किसान भाइयों तो इससे सिर्फ आपका खर्चा बढ़ने वाला है, बेनिफिट आपको कोई भी देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा होता है कि घोल नहीं फटा, अगर घोल नहीं फट रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने आपस में रिएक्ट नहीं किया। हो सकता है उसने रिएक्शन किया हो लेकिन हमने उसे ना देख पाए हो, या फिर रिएक्शन उसने आधा घंटे बाद किया हो और हमने 5 या 10 मिनट के अंदर वो मिक्स करके उनका स्प्रे करना चालू कर दिया हो, तो इस तरह की दिक्कत भी आ सकती है। तो कोशिश करें कि आप जो है इन सबको एक साथ मिक्स करें या ना करें ये देख लेते हैं। ये देखिए, अगर कोई कंपनी के अंदर इस तरह की दिक्कत नहीं होती कि इंसेक्टिसाइड फंगीसाइड और एनपीके, तो कंपनी भी इस चीज़ को एक साथ मिक्स करके दे सकती थी। लेकिन अगर कंपनी ही आपको एक इंसेक्टिसाइड को, फंगीसाइड को और एनपीके को एक साथ मिक्स करके नहीं दे रही है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत इनके अंदर है। क्योंकि किसान भाई, यदि हम तीनों को एक साथ मिक्स करके स्प्रे इसका करेंगे तो इसके उल्टे रिजल्ट भी हमें देखने को मिल सकते हैं। जब किसान भाई जो अपने पैसा बचाने के चक्कर में, समय बचाने के चक्कर में कोशिश ये करते हैं कि इन सबको एक साथ मिक्स करके अपनी फसलों पर स्प्रे करते हैं और बाद में क्या होता है कि फसल के ऊपर कोई भी रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिलता है। तो यदि इस तरह की दिक्कत आ रही है तो आप कोशिश करें और बचें इस चीज़ से कि आप एक बार में सिर्फ एक का ही स्प्रे करें। क्योंकि यदि आपके पास समय नहीं है तब तो आपको ऐसा कर लेना चाहिए, लेकिन आप दुकान वाले के पास पहुंचे, दुकानदार ने कहा कि आप इन्हें मिक्स करो और डाल दो तो रिजल्ट अच्छा मिल जाएगा, लेकिन किसान भाई इसके अच्छे रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आपने इंसेक्टिसाइड ले लिया, पहले अच्छे से पता कर लें, मुझसे भी जानकारी ले सकते हैं, किसी और अच्छे यूट्यूबर से भी जानकारी ले सकते हैं कि क्या हम इंसेक्टिसाइड के साथ एनपीके मिक्स कर सकते हैं या फिर नहीं। यदि आपको जानकारी मिल जाए कि हाँ मिक्स कर सकते हैं तो दोनों को मिक्स करो और स्प्रे कर दीजिए, तो इसके रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कुछ किसान भाई ये कहेंगे कि मैंने इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड और एनपीके तीनों को मिक्स करके स्प्रे किया और मुझे रिजल्ट भी मिला। लेकिन किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं, हो सकता है उन तीन में से किन्हीं दो ने रिजल्ट दिया हो या उन तीन में से किसी एक ने रिजल्ट दिया हो। यदि एक का रिजल्ट भी आएगा तो आपकी फसल पर वो दिखाई देगा और आपको ऐसा लगेगा कि उसका रिजल्ट आपको देखने को मिला है, लेकिन जो इसके रिजल्ट होते हैं होते कुछ उल्टे ही हैं। तो इस चीज़ से आपको बचना है कि कभी भी आपको तीनों को या चारों को एक साथ मिक्स करके स्प्रे नहीं करना है। पहले अच्छे से पता कर लीजिए, जानकारी ले लीजिए, या फिर आपने पिछले कुछ समय से उन्हें आप मिक्स करके स्प्रे कर रहे हैं तब भी आप स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि एक साथ इन्हें मिक्स ना करें, क्योंकि एक साथ मिक्स करने के आपको ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेंगे, बेनिफिट के बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। जैसे कि अभी मैं बताता हूँ, एक अभी इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड का मिक्सचर आया था जो आपको आदत के नाम से मिल जाएगा। किसान, आदत के नाम से मिला है, इसके अंदर दो टेक्निकल दिए हुए हैं, एक उसके अंदर इंसेक्टिसाइड भी है और फंगीसाइड भी है। आप उसका उपयोग कर लीजिए यदि आपकी फसल के अंदर पहले से जो है मतलब कीटों का अटैक भी है और फंगस का अटैक भी है,
तब आपको उसका उपयोग करना है, क्योंकि वो कंपनी ने मिक्स किया है, वो पेटेंट करके कंपनी ने निकाला है कि ये जो है बिल्कुल सुरक्षित है, आपकी फसल पे इसका कोई भी असर देखने को नहीं मिलेगा। तो पहले अच्छे से पता करने के बाद ही आपको इसका उपयोग करना चाहिए, तभी किसान भाइयों आप अपनी फसलों से एक अच्छा उत्पादन ले पाएंगे, एक अच्छी पैदावार ले पाएंगे, और ज़्यादा जो खर्चा आपका हो रहा है उस खर्च से भी आप बच पाएंगे। तो उम्मीद है मैं आपको एक सही और सॉलिड जानकारी दे पाया हूँ। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।